नाम अब्दुल गनी बरादर, पद तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान में सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री के मारे जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इन खबरों ने तब जोर पकड़ लिया जब बरादर कतर से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। दरअसल वो बरादर ही था जो अफगानिस्तान में युद्ध के हालात के बीच कतर में शांति समझौते के लिए तालिबान की ओर से मुख्य वार्ताकार रहा था। अफवाह ने जोर पकड़ी तो तालिबान को सफाई पेश करने के लिए सामने आना पड़ा। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने एक ऑडियो टेप जारी किया जिसमें बरादर की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो संदेश में बरादर कह रहा है, मीडिया में मेरे मारे जाने की खबरें हैं। मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूं। कई दिनों से मैं यात्रा कर रहा हूं। इस वक्त मैं जहां भी हूं, हम सब ठीक हैं। मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूं कि कोई समस्या नहीं है। हालांकि ये आवाज बरादर की ही है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसा सिर्फ तालिबान के ही राज में हो सकता है कि जिसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, उसे ऑडियो जारी करके अपने जिंदा होने की गवाही देनी पड़ रही है। अफगानिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के दौरे के बीच उप प्रधानमंत्री बरादर ने ऑडियो जारी कर अपने जिंदा होने की बात कही है। देखा जाए तो हक्कानी गुट से झड़पों की खबर आने के बाद से मुल्ला बरादर अब तक सामने दिखाई नहीं दिए हैं। मुल्ला बरादर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तालिबान कैबिनेट के गठन से असंतुष्ट और नाराज है, उसी मुल्ला बरादर के हक्कानी गुट से संघर्ष में घायल होने की खबर फैली, जिसे अब तालिबान फर्जी प्रचार और दुश्मन की कोरी अफवाह बता रहा है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भी कहा है कि मुल्ला बरादर की मौत या फिर घायल होने की रिपोर्ट्स गलत हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आज के दौर में जब लोगों से संपर्क करने के इतने साधन हैं, तो मुल्ला बरादर लोगों के सामने आने के बजाय ऑडियो मैसेज क्यों जारी कर रहा है? मुल्ला बरादर ने कहा, मैं ठीक हूं, मैं दौरे पर हूं और ये अफवाहें गलत है। अब क्या अफवाह गलत है कि गन फाइट हुई थी कि नहीं हुई थी? अफवाह ये गलत है कि इसको इंजरी नहीं हुई है, ये हो सकता है, पर क्या गन फाइट हुई थी उसका भी कोई पुष्टि नहीं है। मुल्ला बरादर के ऑडियो मैसेज के बाद भी अगर लोग उसके ठीक होने और तालिबान में सत्ता संघर्ष न होने की खबरों पर यकीन नहीं कर रहे, तो उसकी एक नहीं कई वजहें हैं। पहली वजह है जिस हक्कानी गुट से मुल्ला बरादर के संघर्ष की खबरें आई थी। दूसरी वजह है तालिबान कैबिनेट में हक्कानी गुट की ताकत। तालिबान कैबिनेट में हक्कानी गुट के 4 मंत्री हैं जिनका तालिबान के हर फैसले में असर दिख रहा है। तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क के दबदबे का आलम यह है कि अब तक तालिबान सरकार ने जो भी बड़े फैसले लिए हैं उसमें हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी सबसे आगे दिखाई दिए हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी जब अफगानिस्तान में विस्थापित हो रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति का आकलन करने पहुँचे तो उनकी अगवानी करने के लिए हक्कानी नेटवर्क के आतंकी और यूएन के लिस्ट में शामिल खलील हक्कानी पहुँचा। इस तस्वीर को देखिए, तालिबान की कैबिनेट में गृह मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा खलील हक्कानी, जो तालिबान की सरकार में शरणार्थी मामलों का मंत्री है, किस तरह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी का अफगानिस्तान पहुंचने पर स्वागत कर रहा है। अफगानिस्तान में विस्थापितों की जरूरतों का जायजा लेने पहुंचे यूएन के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि यही खलील हक्कानी यूएस और यूएन की लिस्ट में घोषित आतंकी है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में आने वाले यूएन के अधिकारियों को उसके साथ मीटिंग करनी पड़ रही है। इसके अलावा कतर के नेताओं के साथ मीटिंग में भी सिराजुद्दीन हक्कानी और कानून मंत्री मौलवी अब्दुल हकीम हक्कानी मौजूद था, जबकि मुल्ला बरादर इस मीटिंग से गायब था। ये तमाम ऐसी वजह हैं तो मुल्ला बरादर के गुस्से को और बढ़ा सकती हैं। और इसके असर को समझने के लिए आपको तालिबान के अंदर मुल्ला बरादर के कद को भी समझना होगा। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी सहयोगी था।
फिलहाल तालिबान में नंबर दो की हैसियत रखता है। तालिबान के ज्यादातर गुटों में मजबूत पकड़। 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा 2018 में तालिबान से बातचीत के लिए अमेरिका ने रिहा करवाया। दूसरे देशों से तालिबान की बातचीत में अहम भूमिका। ऐसे में मुल्ला बरादर अगर तालिबान के अंदर हक्कानी गुट के बढ़ते प्रभाव और खुद को हाशिए पर डाले जाने से नाराज होता है तो तालिबान के अंदर संघर्ष बढ़ सकता है। एक तरफ मुल्ला बरादर का गुट है, दूसरा गुट हक्कानी नेटवर्क का है, तीसरा गुट मुल्ला याकूब का है, और ये जो गुट हैं ये आपस में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से और तालिबान की बनने वाली सरकार में अधिक से अधिक अपनी शक्ति को अर्जित करने की लालसा से ये आपस में टकरा रहे हैं, और इनके बीच में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। फिलहाल चर्चा इस बात पर चल रही है, क्या बरादर खुद को हाशिए पर डाले जाने से खफा है, और इससे बड़ा सवाल है बरादर पूरी तरह से स्वस्थ है तो कब सामने आएगा। मनीष शुक्ला के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।